हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन मैक पफ की, जो बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। आपने रेस्टोरेंट में खाएंगे होंगे, आप घर पर भी इन्हें बनाकर खा सकते हैं। रमज़ानों में बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप मैदा लिया है, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे अच्छे से छान लें, उसके बाद इसमें डाल दें 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर और उसके साथ 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इतना मिक्स करें कि जो इसमें बाइंडिंग होने लगे। ये देखिए मुट्ठी बनने लगी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम बिल्कुल चिल्ड लेंगे, तो ठंडा पानी लिया है मैंने फ्रिज का। उसे थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छा एक सख्त डो बना लें। डो बनकर तैयार हो चुका है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें और इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें। इतने हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दें, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दें। इसके साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स हो गया है तो गैस पे एक पैन ले लें, फ्लेम को मीडियम रखें, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दें और थोड़ा थोड़ा करके चिकन भी इसमें डाल दें। अब इसको इस पे पका लें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। कलर चेंज हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, स्मेल निकल चुकी है। तो इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब पानी में इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये अच्छे से टेंडर ना हो जाए, अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद ये देखिए पूरी तरह से पानी खुश हो चुका है और ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। 1/3 कप कैप्सिकम चॉप करके डाला है बारीक बारीक, अनसीटी टोमेटो चॉप करके डाल दिए हैं, 2 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न लिया है, 1 बड़ी प्याज को हमने चॉप करके डाला है, 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो डालें फ्लेवर के लिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाल दिया है इसमें, इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, पफ में डाला जाता है। तो इसे अब एक बड़ी बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, अब डो को देख लेते हैं। डो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, 1 से 2 बार हाथ से अच्छे से मल लेंगे इसको। अब इसे बॉल से निकाल लें और एक वुडन प्लेटफॉर्म पे मैंने रख दिया है। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। अब पहले 1 पार्ट को हम अच्छे से बेल लेंगे। इसको हमें रेक्टेंगुलर शेप में बेलना है, तो इसे बेलते जाएंगे। ये देखिए पूरी तरह से हमने जितना बेल सकता था उतना बड़ा कर लिया है इसको। अब इसे स्केल की मदद से 9 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा हम इसको नाप कर कट कर लेंगे। और जो भी एक्सेस है उसे निकाल देंगे। तो ये देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट तैयार हो गई है। अब इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 पार्ट बन गए हैं। अब 2 हमारे यहाँ पे पफ बन जाएंगे, तो 1 में हम फिल करेंगे 2 टेबल स्पून फिलिंग, दूसरे में भी इतनी ही डाल देंगे। 1 शीट को उठाकर दूसरी पर कवर करेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे इसे हल्के हाथों से दबाते हुए। एक के ऊपर दूसरी शीट लगा ली है। अब इसे चारों तरफ से अच्छे से सिक्योर करने के लिए हम फॉर्क लेंगे। फॉर्क से हल्के हाथों से निशान बना दें जिससे कि दोनों शीट एक दूसरे से चिपक जाएं और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा मैक पफ बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारे मैक पफ बन के तैयार कर लें। किनारों से अच्छे से चिपकाएं ताकि वो खुले नहीं बाद में, तो ये आप इसका ज़रूर ध्यान रखें।
तो सारे मैक पफ बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में रखने से इस पे बबल्स नहीं पड़ते, तलने में ये बहुत अच्छा क्रस्ट आता है। तो मीडियम फ्लेम पर अब हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब उसमें जितने हम डाल सकते हैं, यानी हमने 3 मैक पफ लिए हैं, उन्हें फ्राई कर रहे हैं। पलट पलट कर उन्हें फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे, ऑयल मीडियम फ्लेम पर ही रहने देंगे। तो अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसे तलेंगे। ये देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, काफ़ी अच्छे से तल चुके हैं हमारे मैक पफ। और ये देखिए आप देख सकते हैं इस पे कोई बबल भी नहीं आया है, बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं हमारे मैक पफ। तो सभी को इसी तरह तल कर तैयार कर लें हल्का गोल्डन। अब ये देखिए ऊपर से जितना क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही जूसी और टेंडर बना है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स रमज़ान में बनाकर खाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।